हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत, कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ, अक्सर मैं इस तरीके से ही स्टार्ट करती हूँ वीडियो, तो गाइस आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को ये पूछ के कि आप लोग कैसे हो। ठीक है, तो बात करेंगे स्क्रब के बारे में। आज इस वीडियो में बात करेंगे तो कौन सा स्क्रब है ये जानेंगे, और स्क्रब क्यों किया जाता है, और कब कितने टाइम तक किया जाता है स्क्रब, कितने दिनों के बाद किया जाता है, कैसे किया जाता है, मतलब ये सब दिमाग में आता ही रहता है। तो काफ़ी लोगों को ये सब पता है कि स्क्रब, और करते भी है, काफ़ी लोगों को पता होता है कब करना है कैसे करना है, तो कुछ लोगों को नहीं पता है। और मैं कौन से स्क्रब के बारे में बताने वाली हूँ, तो ये स्क्रब के बारे में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो इस टाइप का ये स्क्रब है। ठीक है, तो स्क्रब का नाम जान लेंगे कि स्क्रब का नाम क्या है। तो एप्रिकोट एंड वॉलनट स्क्रब है, एप्रिकोट एंड वॉलनट स्क्रब है। तो एप्रिकोट है जो को वॉलनट स्क्रब है, जो कि एप्रिकोट जो कि खूब एक फल का नाम है, तो उसका फल का नाम मुझे खुद को नहीं पता कि एप्रिकोट कौन सा फल है। देखो भाई, झूठ नहीं बोलूँगी, सच है वो मैं आप लोगों को बता दी। और वॉलनट है जो कि अखरोट को बोला जाता है, तो अखरोट और ये फल एप्रिकोट है, उस फल से बना हुआ ये स्क्रब है। तो ये स्क्रब क्या करता है स्किन को जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड ब्लैक हेड्स को क्या करता है, निकालता है, जो कि आप अपनी स्किन डेड स्किन होती है ना उसको निकालता है, और ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना उसको निकालता है ये स्क्रब। बात हो गई इसकी, अब बात करेंगे कि स्क्रब किस टाइप से करना है और कब करना है। तो आपको डेली स्क्रब नहीं करना है, जो डेली के लिए आप लोगों को बोलते हैं, तो आप प्लीज़ डेली मत करिएगा स्क्रब, क्योंकि स्क्रब ऐसी चीज़ होती है जब आप डेली करोगे ना, तो ये क्या करता है स्क्रब, जब स्किन पे रगड़ते ना, रफ करते ना इस तरीके से, तो आपको डेली नहीं करना है, क्योंकि स्क्रब ना अपनी ऑयली रहती, ऑयली फेस रहता है ना, ऑयल को ये निकालता है। तो आप डेली ऑयल को नहीं निकालना है, 15 दिन के बाद में आपको स्क्रब करना है। आप 15 दिन का टाइम भी नहीं लगा सकते, तो आप 10 दिन में भी कर सकते हो, पर 15-10 दिन में आपको ये स्क्रब करना है, आपको रेगुलर स्क्रब नहीं करना है। तो ये तो हो गया इसका कि कितने दिन के बाद करना है, 15 दिन के बाद में करना है स्क्रब, डेली नहीं करना है। बात करेंगे कि स्क्रब कौन सी स्किन वाले कर सकते हैं, तो डेड स्किन वाले, और ये ब्लैक हेड होते वो वाले, और वाइट हेड्स होते वो वाले भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते, कौन सी स्किन वाले नहीं कर सकते, जिसके मोटे मोटे पिंपल्स है और पिंपल्स से भरा हुआ फेस है, तो वो इंसान ना, वो लोग इस स्क्रब का यूज नहीं कर सकते। प्लीज़ आप देख सकते हो ये स्क्रब किस टाइप की है, ये डिब्बी में आ रखा है, ये इस तरीके से ये ओपन होती है, और यहाँ पे एक और ये है, और फिर बाद में ये स्क्रब। तो इस स्क्रब में मोटे मोटे दाने हैं, आप देख सकते हो, तो पिंपल्स वाले मोटे मोटे पिंपल्स है, और बारी बारी पिंपल्स भी है ना, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ये स्क्रब आप बिल्कुल ना करें। पिंपल्स वाले कोई भी इस स्क्रब का यूज ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रब के मोटे मोटे दाने आते हैं, स्क्रब में हर स्क्रब में मोटे मोटे दाने आते हैं, मोटे जिसमें मोटे आ, किसी में मोटे आते, किसी में बारीक आते, पर इस स्क्रब में ना, ये अखरोट का स्क्रब बना हुआ है ना, उसमें मोटे मोटे दाने आते हैं, तो पिंपल्स वाले नहीं करना है, उससे छिलने से आपके फेस में और भी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बात आ गई, पिंपल्स वाले स्किन वाले नहीं कर सकते। अब बात करेंगे इसको किस टाइप से करना है, कितने मिनट तक करना है, तो किस टाइप से करना है इसको, इस तरीके से ओपन करना है, और फिर बाद में इस तरीके से निकालना है क्रीम, और पूरे फेस पे, पहले तो फेस को क्या करोगे, गीला कर लेना है, ठीक है, पानी से पूरा गीला कर लेना है, फिर बाद में इसको इस तरीके से टैप टैप करके पूरे फेस पे लगाना है, फिर बाद में पानी लेके, किस टाइप से करना है, पानी लेके मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे करना है, इसमें मोटे दाने हैं स्क्रब में, और काफ़ी अच्छा स्क्रब है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। तो इस टाइप से आपको कितने मिनट तक करना है, ओनली 5 मिनट तक ही आपको ये स्क्रब करना है। ज़्यादा मिनट तक आप इसको करोगे स्क्रब को, तो आपकी स्किन में अलग ही इफेक्ट गिरेगा,
ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तक आपको स्क्रब नहीं करना है, इस तरीके से रगड़ोगे तो आपकी स्किन छिल जाएगी और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ 5 मिनट तक ही आपको स्क्रब का ऐसे रफ करना है पूरे फेस पे, इस तरीके से जहाँ पे ब्लैक हेड्स है, ठीक है, जहाँ पे ओपन पोर्स है, तो वहाँ पे आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, इस तरीके से रफ करना है। यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी स्किन रहती है जिसकी ये डार्क सर्कल रहता है, वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, और हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है इसको। इस तरीके से आप कर लोगे तो इससे आपको क्या होगा, 5 मिनट तक आप ये करोगे तो इससे होता क्या है, इस स्क्रब से होता क्या है ये जानेंगे। तो आप जान ही गए कि डेड स्किन को निकालता है और ये ब्लैक हेड्स को निकालता है। तो फिर बाद में क्या होता है, स्किन ये स्किन को टाइटली करता है, स्किन को टाइट करता है और स्मूथ करता है, ब्राइटनिंग करता है ये फेस को। इसलिए आप ये स्क्रब का यूज ओनली फेस पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अपनी स्किन थोड़ी ब्लैक सी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको लगता है कि पूरी स्किन अपनी पूरी बॉडी पे ऐसे कुछ अलग ही अपने को स्क्रब करना है, तो आप पूरी बॉडी पे भी इसी स्क्रब का यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप फेस पे ही करो। और इसकी प्राइस बता देती हूँ गाइस, इसको ये हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, अगर मेडिकल स्टोर में ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इस नाम से। तो इस 50 ग्राम्स इसमें क्रीम आती है, और 50 ग्राम्स की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और आपको ऑनलाइन में आप परचेज कर सकते हो, आप कहीं पे भी खरीद सकते हो इस क्रीम को, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हो और अमेजोन में भी खरीद सकते हो, या फिर आप कहीं पे भी खरीदना चाहो ऑनलाइन में तो आप खरीद सकते हो। इस तरीके से आपको रफ करना है पूरे फेस पे और बॉडी पे भी कर सकते हो, इस टाइप से हल्के हाथों से करना है, 5 मिनट तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, जिससे आपकी आप ज़्यादा करोगे तो आपकी स्किन में अलग इफेक्ट करेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं करना। जानेंगे इसकी साइड इफेक्ट, अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसका 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप इसको करते जाओगे जिससे क्या होगा, अपनी स्किन में थोड़ी ये रेडनेस सी आ जाएगी और स्किन अजीब सी हो जाएगी, छिलने वाली झुर्रियाँ आ जाएगी, पूरा ये ऑयल निकालेगा, तो ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इसकी साइड इफेक्ट यही है। और इस क्रीम को आप लगा रहे हो तो आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, आँखों के आसपास से इसकी आँखों से दूर ही रखना है इस क्रीम को, और दूर से ही आपको ये स्क्रब करना है, आँखों तक नहीं जाना है, इसका यही साइड इफेक्ट है। अगर आपको जलन वगैरह लग रही है तो आप इसको लगाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और डॉक्टर से पूछ के आप स्क्रब का यूज कर सकते हो, अगर ना भी पूछे तो भी इसका यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, पर आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए ये क्रीम, ठीक है, और ये आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए ये स्क्रब। तो ये स्क्रब कर रहे हो आप तो जिससे आपकी ब्राइटनिंग स्किन होगी, टाइटली स्किन होगी, काफी अच्छा, ट्राई जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप भी खरीदने की कोशिश जरूर करना इस स्क्रब का, काफी अच्छा स्क्रब है। तो आज के लिए इतना ही, काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चले गाइस बाय, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, तो ठीक है, बाय।